आप देख रहे हैं बीबीसी, मैं हूं सारिका सिंह। बीबीसी की खास पेशकश में आज बात महाराष्ट्र के सियासी घमासान की। महाराष्ट्र में राजनीति के बोर्ड पर जारी शह और मात के खेल में आ गया है एक और ट्विस्ट, और दो चेहरों की इसमें बात हो रही है। एक तो है देवेंद्र फडणवीस और दूसरे हैं अजीत पवार, जिन्होंने चार दिन पहले मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, 5 साल तक स्थायी सरकार चलाने का दावा किया था। लेकिन दिग्गज मराठा शरद पवार का प्लान कुछ और ही था। वो और उनके नए राजनीतिक दोस्त उद्धव ठाकरे का गठजोड़ फडणवीस और अजीत पवार के गठबंधन पर भारी पड़ा। बीजेपी आज सुबह तक विधानसभा में बहुमत साबित करने का दावा कर रही थी, लेकिन फिर कैसे बदली कहानी आपको बताते हैं। श्री अजीत दादा पवार, इन्होंने मुझसे मिलकर कहा कि वे इस सरकार में बने नहीं रह सकते और उन्होंने हमको इस्तीफा दिया, तो उनके इस्तीफा देने से अब बहुमत के लिए जितने विधायक चाहिए उतने भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय लिया कि हम सरकार नहीं बनाएंगे, हम इस्तीफा देंगे। 5 साल के लिए उद्धव ठाकरे साहब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो गए, सपोर्टेड बाय नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एंड भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। नो रोटेशनल चीफ मिनिस्टर, नो 5 इयर्स उद्धव ठाकरे। फडणवीस के साथ शनिवार को उप मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले अजीत पवार उनके पहले ही पद छोड़ चुके थे। फिर बारी आई फडणवीस की, फ्लोर टेस्ट का सामना करने से पहले ही उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। आज जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो ऐसा लगा कि देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। मामले की सुनवाई रविवार को शुरू हुई थी और आज अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कल बुधवार शाम 5 बजे तक सरकार अपना बहुमत सिद्ध करे, सदन की कार्रवाई का सीधा प्रसारण हो और वोटिंग सीक्रेट ना हो। बीते 33 दिन में महाराष्ट्र की इस कहानी में इतने ट्विस्ट आए कि हर कोई अटकल लगाने और दावे करने से बच रहा था, सिवाय शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के महाविकास अघाड़ी गठबंधन के। महाराष्ट्र में चुनाव 21 अक्टूबर को हुए, नतीजे 24 अक्टूबर को आए। महायुति बनाकर उतरी शिवसेना और बीजेपी को बहुमत तो मिला, लेकिन शिवसेना 50-50 फॉर्मूले को लेकर अड़ गई। बीजेपी से रिश्ता टूटा और उसके बाद शिवसेना ने बातचीत शुरू की एनसीपी के साथ, आगे चलते कांग्रेस भी इसमें शामिल हो गई। राज्यपाल ने शिवसेना और एनसीपी को सरकार बनाने के लिए बुलाया, लेकिन तब तक गठजोड़ तय नहीं हो सका था और महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। एनसीपी प्रमुख शरद पवार एक तरफ शिवसेना से बात कर रहे थे तो दूसरी तरफ कांग्रेस को इस गठजोड़ में शामिल होने के लिए तैयार कर रहे थे। हर दिन लगता कि बात बन गई, लेकिन फैसला अगले दिन तक के लिए टल जाता। आखिरकार 22 नवंबर को यानी शुक्रवार को शरद पवार ने इस बात का ऐलान कर दिया कि गठबंधन ने मुख्यमंत्री पद के लिए उद्धव ठाकरे को चुन लिया है। लेकिन दिन बदलते ही कहानी बदल गई। 22 नवंबर की ही रात देवेंद्र फडणवीस ने राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया। 23 नवंबर की सुबह 5:40 पर राष्ट्रपति शासन हटाने का ऐलान हुआ और सुबह 8 बजे फडणवीस ने मुख्यमंत्री और अजीत पवार ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण के साथ शरद पवार की भूमिका को लेकर कंफ्यूजन हुआ। उसके बाद उनकी भूमिका पर ये सवाल उठाए गए कि वो बीजेपी के साथ चले गए हैं, लेकिन पवार ने साफ कर दिया कि अजीत पवार के बीजेपी के साथ जाने में उनका कोई रोल नहीं है। इसके बाद इस बुजुर्ग मराठा ने अपना दम दिखाना शुरू किया और अजीत पवार के साथ गए विधायक उनके पास लौटने लगे। ताकत पूरी होने पर सोमवार शाम एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस ने अपने विधायकों को एक होटल में बुलाया, एकजुटता का प्रदर्शन किया। इसके बाद भी बीजेपी बहुमत अपने साथ होने का दावा कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश शहमात के इस खेल में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। बीजेपी राज्य में सबसे बड़ी पार्टी तो है, लेकिन एनसीपी के कथित बागियों की घर वापसी से उसे बहुमत जुटाने में मुश्किलें आई। कहानी में आए इस बदलाव से कई दिग्गजों के राजनीतिक भविष्य की दिशा तय हो सकती है और इसमें सबसे बड़ा नाम है देवेंद्र फडणवीस। बीजेपी में फडणवीस का कद तेजी से बढ़ा है। अगर वो बहुमत साबित कर पाते तो उनका कद और ऊंचा होता, लेकिन अब सबसे ज्यादा नुकसान फडणवीस को ही झेलना होगा। शरद पवार की साख भी दांव पर थी। कई राजनीतिक पंडित ये जानना चाहते थे कि आखिर शरद पवार किस ओर हैं।
अजित पवार की कथित बगावत को भी पवार परिवार में तकरार के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन इन सब के बीच ये तो साफ हो गया है कि शरद पवार को उनकी पिच पर मात देना आसान नहीं है। सियासी खींचतान के इस खेल में उद्धव ठाकरे ने अहम कामयाबी हासिल की है। उद्धव की कार्यशैली बाल ठाकरे से अलग है। बीजेपी से रिश्ता तोड़कर उन्होंने एक जोखिम लिया है। उद्धव ठाकरे के लिए आसान ये होता कि वो बीजेपी के साथ सरकार बनाते, लेकिन उन्होंने नए दोस्त आजमाने का रास्ता चुना। अब फडणवीस के इस्तीफे के बाद उनके सामने संभावनाओं के नए द्वार खुल गए हैं, लेकिन उनकी चुनौतियां अभी भी खत्म नहीं हुई हैं। दांव पर तो कांग्रेस की भी साख है, जिसने विचारधारा को परे रखते हुए बीजेपी को रोकने के लिए शिवसेना से हाथ मिलाया है, लेकिन शिवसेना और एनसीपी के मुकाबले उसके पास खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कल सुबह 8 बजे अब विधानसभा का सत्र बुलाया है। दांव पर तो कांग्रेस की भी साख है, जिसने विचारधारा को परे रखते हुए बीजेपी को रोकने के लिए शिवसेना से हाथ मिलाया है, लेकिन शिवसेना और एनसीपी के मुकाबले उसके पास खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अब कल सुबह 8 बजे विधानसभा का सत्र बुलाया है। अब अगली चुनौती महाराष्ट्र को एक ऐसी सरकार देने की है जो स्थिर हो, लेकिन क्या ये आसान है? ये सरकार बनाना जितना शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के लिए मुश्किल था, उतना या उससे कई ज्यादा मुश्किल होगा ये सरकार चलाना, क्योंकि तीन वजह मुझे लगती है। पहला है कि इनमें बहुत वैचारिक मतभेद है। शिवसेना एक हिंदुत्ववादी पार्टी है, शिवसेना एक मराठीवादी पार्टी है, कांग्रेस सेक्युलर है, नेशनल है, तो उनमें बहुत सारे इश्यूज होंगे। जैसे सावरकर का मुद्दा है, शिवसेना ने कहा है उन्हें भारत रत्न देना ही चाहिए, कांग्रेस ने परसों ही कहा है कि शिवसेना को पढ़ लेना चाहिए सावरकर के बारे में। तो अभी सरकार बनी भी नहीं है और उनमें इन मुद्दों पर बहस होना शुरू हो गया है, तो वैचारिक मुद्दे जो है वो आते रहेंगे इनके बीच में। दूसरा जो मुझे लगता है वो है इश्यूज के ऊपर। उन्होंने मतलब इन तीन पार्टियों ने लगभग 2-2.5 हफ्ते मीटिंगें की और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने की कोशिश की है, लेकिन बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिन पर एक राय नहीं बन पाई है, बहुत सारे इश्यूज हैं जिन पर वो चर्चा भी नहीं कर पाए, ऐसा हमें एनसीपी के लीडर्स बता रहे हैं। और अब चलते चलते जान लेते हैं महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों में कैसे कैसे फेंके गए सियासी पासे। देखिए हमारे कार्टूनिस्ट कीर्तिश की नजर से। महाराष्ट्र की राजनीति पर हमारी ये पेशकश आपको कैसी लगी, आप सीधे मुझे ट्वीट करके बता सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @bbcsarika। आज के लिए इतना ही है।